नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित। तो दोस्तों इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे प्रतिशत और उसका अनुप्रयोग। जी हाँ दोस्तों, परसेंटेज एंड इट्स यूजेस। तो दोस्तों ये हमारे वीडियो सीरीज की पार्ट नंबर 8 है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हर रोज की तरह हम पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, फिर अति लघुत्तरीय, फिर लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो आज का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न क्या रहा, 9/10 बराबर है। तो दोस्तों इसको परसेंटेज में अगर आपको बदलना है तो कैसे करेंगे, ये दोस्तों आपका लिखा 9/10 है ना। परसेंटेज में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ता है। अगर परसेंटेज दिया तो 100 से भाग करते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 × 9 मतलब 9 × 90 या 10 × 9 90। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों आपका ये आएगा, सी विकल्प आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हमने परसेंटेज में बदल दिया, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको हम परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 90/100 हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, 9/10 फिर से आ गया ये, ठीक है, 9/10। तो ऐसे होता है ये क्वेश्चन, तो काफी आसान प्रश्न था। तो आप लोग जल्दबाजी में आके हो सकता है कि इस प्रश्न का जो विकल्प है 9/10 दिखा तो 0.9 टिक कर सकते हैं, जो कि गलत होगा। अब देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न दोस्तों कह रहा है हमारा 0.125 बराबर है, परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा कर दीजिए, बस गुणे 100 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 125 आ जाएगा, 2.5 तक जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी विकल्प, दूसरे का भी सी सही होगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला प्रश्न है हमारा तीसरा कि 15 + 15 के 15% का मान होगा। पहले 15 लिखा है, प्लस 15 के 15 मतलब 15 × 15%। तो पहले हो जाएगा 15 दोस्तों प्लस का 15 × 15, ठीक है। 15 लिखेंगे, जब परसेंटेज का चिन्ह हटता तो 100 से भाग हो जाता है, इसको ध्यान में रखना है। 5 × 15, 5 × 2 = 10, 0। फिर 5 × 15, 5 × 20 कितना हो गया दोस्तों, 15 प्लस का हो जाएगा 9/4। इसको जरा हम लोग भाग कर लेते हैं, हो जाएगा 15 दोस्तों 9/4 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 8, फिर 1 0 4 × 8, 4 × 5 = 20, जोड़ लेंगे 15 × 2 = 17.25। विकल्प में देखेंगे हम लोग कौन सा सही दिख रहा है आपको। पहला विकल्प देखिए 17.25 का है, ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। चौथा क्वेश्चन है हमारा 10% की साधारण भिन्न होगी। कुछ नहीं करना दोस्तों, 10% लिखा ना, बस परसेंटेज का चिन्ह हटा दीजिए, 10 × ठीक है। परसेंटेज चिन्ह हटता तो क्या होता है, सिंपल सा भाग होता है 100 से, 1 0 से 1 0 कट गया, 1/10 आ गया, बस यही आपका आंसर होगा। पहला विकल्प आप देख रहे हैं चौथे का, ए विकल्प, ये आपका करेक्ट है, ठीक है ना। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, 20 80 का कितना प्रतिशत है। जो दोस्तों 20 है 80 का मतलब टोटल संख्या दोस्तों आपकी 80 है, तो 80 हमेशा नीचे जाएगा, 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया। एक काम करते हैं दोस्तों, ऐसे नहीं काटते हम लोग, 20 × 1 = 20, 20 × 80, 4 से भाग कर देंगे, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 25% आ गया। उस तरह भी काट सकते थे लेकिन ये हमको ज्यादा आसान लगा। तो इसका दोस्तों जो विकल्प होगा बी वाला सही हो जाएगा, मतलब पांचवे का बी आंसर सही होगा। उसके बाद आज का अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। तो दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि किसी वस्तु के मूल्य को पहले एक्स प्रतिशत बढ़ाया जाता है, फिर उसको दोस्तों एक्स परसेंट घटा दिया जाता है, इस प्रकार कुल कमी या बढ़ोतरी क्या होगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपके आ सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हम आपको बताते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका बी वाला, x²/100 प्रतिशत की कमी होगी, ठीक है ना। अब देखते हैं दोस्तों आज का हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, इसका सही आंसर बी था, इसको ध्यान रखिएगा। तो सातवां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा कि निम्न में से कौन सी संख्या 2 का 100% प्लस 100 का 2% के बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं, मतलब समझिए आपका 2 का 100% मतलब 2 × 100% निकालना, ठीक है ना। इसका प्लस का दोस्तों 100 का 2% मतलब 100 आपका होगा 100 × 2% निकालना है, ठीक है। तो 2 का 100% मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 × 100, परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो 100 से भाग होता है आपको पता है, प्लस का 100 × 2 है, बटे में परसेंटेज का चिन्ह हटेगा 100 से भाग होगा, 100 से 100 ये कट गया, 100 से 100 ये कट गया, 2 और 2 दोस्तों जोड़ लेंगे, 2 + 2 बचा, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 4। कितना आसान था प्रश्न, था देखने में कठिन आपको भले लग रहा हो लेकिन जो इसका सही आंसर होगा वो 4 होगा, साथ में डी हमारा विकल्प सही है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो हमारा आठवां प्रश्न क्या रहा कि किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए कर दिया जाता है, यह कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो दोस्तों इसका जो प्रारंभिक मूल्य था 50 रुपए, अब 60 रुपए हो जाता है, तो मतलब 60 में से हम जब 50 घटा लेंगे पहले, तो दोस्तों हमें पता चल गया कि भाई जो उसका मूल्य था वो 10 रुपए बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, जब इसको निकालना है तो दोस्तों हम बटे करेंगे, पहले जो इसकी वृद्धि हुई है 10 / प्रारंभिक मूल्य 50,
गुड़े 100, आप 60 मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि हमने 50 से निकालना है हमें, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 10 गुड़े 2 हो जाएगा आपका दोस्तों, यहाँ पर सिंपली 20% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक ना, विकल्प देखते जरा हम लोग, 8वें का डी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो आप लोग कर लेना है। फिर उसके बाद बात करेंगे आज का 9वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। 9वां क्वेश्चन क्या है कि 24 80 का कितना प्रतिशत होगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फिर से दोस्तों 24 ऊपर आएगा, टोटल बड़ी संख्या नीचे जाती है, गुणे 100। ठीक है, कैसे करेंगे दोस्तों, 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट गया, 4 5 24, 4 2 8, 2 1 2, 2 5 10, 5 6 हो जाएगा दोस्तों, 30 आ जाएगा ना, हमारा आंसर आ जाएगा 30%। विकल्प देखिए जरा, 9वें का हमारा बी विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं आज का हम लोग अगला प्रश्न। देखिए हर एक प्रश्न को आपको समझते हुए भी चलना, ये ना हो कि आप भूलते जाएं। तो दोस्तों 10वां क्वेश्चन क्या रहा आपका कि 4 का 3% है, आपको ये बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए 4 का 3 निकालना है, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए इसमें 3 ऊपर आएगा, 4 नीचे आएगा, क्योंकि दोस्तों बड़ी संख्या पर 4 है, उसके अंदर दोस्तों 3 आता है, 4 के अंदर, ठीक है ना, 3 में 4 थोड़ी नहीं आता है, गुणे 100 कर देंगे, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, ठीक है ना, बस हो गया 25 गुणे 3, 25 होता है आपका 75%। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका डी विकल्प हो जाएगा। इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऊपर आप सोचेंगे 4 तो ऊपर तो नहीं लिखेंगे, ऐसे तो नहीं लिखेंगे 4/3, ऐसे नहीं दोस्तों करना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, इसमें आपको दिक्कत होती है ऐसे प्रश्नों में। तो बस एक बात का ध्यान रखा करिए कि 4 का 3% हो दोस्तों, या 24 का 80% था दोस्तों। इससे पहले क्वेश्चन हमने क्या देखा, 80 बड़ा था दोस्तों, 80 नीचे गया, ठीक है। तो इसमें दोस्तों 4 और 3 में कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4 नीचे जाएगा, बस इसको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों बात करेंगे आज का अंतिम बहुविकल्पीय प्रश्न 11 नंबर, 16 सही 2/3 का 24% है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कैसे करेंगे, पहले लिखा दोस्तों आपका 16 सही 2/3 का 24% है ना। तो 16 सही 2/3 का मतलब पहले पता क्या होगा, 3 गुणे 16 करेंगे, 16 3 48 2 50, यहाँ हो जाएगा आपका 50/3 का 24%। तो बस हो गया क्वेश्चन। तो पहले दोस्तों लिख लेंगे आप 50/3 गुणे हो जाएगा 24% का, मतलब 24% का जब चिन्ह हटता तो क्या होता है, 100 से भाग होता है, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यहाँ पर आ गया, 2 से भाग करेंगे ये कितनी बार जाएगा, 24, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24 होता है ना, फिर दोस्तों 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, फाइनली 4 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना अच्छा प्रश्न था, आसान था प्रश्न था, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11 का C विकल्प, आप देखिए 4 दे रखा है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो अब दोस्तों बात करेंगे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं आज के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। सबसे पहले 12 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि 10 का x% = 80 का 20%, तो हमें x का मान बताना है। तो बस आसान सा क्वेश्चन है, 10 का हमारा x% है, 10 × x% = दोस्तों हो जाएगा हमारा 80 × में दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर 20%, ठीक है ना, बस सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा दोस्तों 10 × x, परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, बटे में 100 आ जाएगा, बराबर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 80 × 20 लिखा 20, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, बटे में 100 आएगा, एक एक जीरो से एक जीरो कटा, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट गया, एक जीरो से दोस्तों यहाँ पर एक जीरो कट गया, मतलब यहाँ पर आपका बचेगा एक्स बटे 10 बराबर दोस्तों 8 × 2, 8 × 2 = 16, तिरेक गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 16 × 10 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ से एक्स का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 160, ठीक है ना, आसान सा प्रश्न था। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि 800 का 2.5% कितना होता है। बस कुछ नहीं करना है, 800 दोस्तों लिखा है ना, 800 का मतलब दोस्तों गुणा हो जाता है, 800 × 2.5, परसेंटेज के चिन्ह हटा दीजिए, पहले परसेंटेज के चिन्ह लगा देते हैं, एक लाइन में स्टेप वाइज मार्किंग होती है दोस्तों, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे, 800 × 2.5 की हमने फिर अगले लाइन में लिख लिया, 800 × 2.5, परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, 100 से भाग हो जाएगा, ठीक है ना, 2 जीरो से दोस्तों ये 2 जीरो कट जाता है, फिर 8 × 2.5 करना है, ठीक है ना, तो 8 लिखा है गुड़े में 2.5, ये हल्का सा गुड़ा का चिन्ह बना सकते हैं, तो 8 5 40 का 0, 8 2 16 4 20 होता है, ठीक है, 1 अंक पर 10, तो मतलब आपका आंसर आ जाएगा, ये 20 कर दीजिए अलग से खाली। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, ठीक है ना, इसका आंसर कितना आया था हमारा, 20 आया था। 14 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, क्या बोल रहा है दोस्तों क्वेश्चन में कि 14 केले 15 दर्जन किलो का कितना प्रतिशत होता है। 14 केले दोस्तों पहले बताइए, 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, 1 दर्जन में दोस्तों आपको पता है कि 12 केले होते हैं, तो 5 दर्जन में कितने हो जाएंगे दोस्तों, 5 दर्जन में हो जाएंगे हमारे 12 × 5, ठीक है ना, 5 दर्जन में टोटल हमारे केले आ जाएंगे 60, 12 5 60 होता है, तो
15 केले दोस्तों 5 दर्जन किलो का कितना प्रतिशत है? मतलब 15 केले दोस्तों 5 दर्जन में हमारे होते हैं टोटल 60 केले, इसका परसेंटेज निकाल दीजिए, बस आपका आंसर आ गया 15 × 15, 15 × 60, 4 × 4, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, बस कितना होता है दोस्तों ये आपका 25%। कितना आसान क्वेश्चन है, आपको खाली शुरू करना है क्वेश्चन को, लक अपने आप जाएगा, ठीक है ना। पहले आप दोस्तों ये बताएंगे 5 दर्जन किलो में कितना केला होगा, तो हमने निकाल लिया 5 दर्जन में आपके 60 केले होते हैं, इतना भी कर देंगे दोस्तों तो आपको एग्जामिनर को लगे क्या, हाँ बच्चे को आता है, स्टेप वाइज मार्किंग में आधा नंबर वो देगा अगर आपका एक नंबर का प्रश्न है तब, ठीक है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, तो 15 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको समझिए कि एक्स का 16% बराबर इतना है, तो हमें एक्स का मान बताना है, तो एक्स का 16% एक्स गुणे मतलब 16% बराबर दोस्तों 0.08, तो हमारा हो जाएगा एक्स गुणे परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, 100 से भाग होगा आपको पता है, बराबर 0.08 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग काम करेंगे एक्स बराबर 100 का गुणा है दोस्तों, यहाँ करेंगे 0.08 गुणे हो जाएगा, 3 गुणा हो जाएगा 100 और 16 नीचे था, ये नीचे भाग में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा इस लाइन के बाद एक्स बराबर हो जाएगा दोस्तों, जब गुणा करेंगे 100 का 2 अंक पर दशमलव दोस्तों, तो दशमलव हट जाएगा बचेगा नीचे 8 बचेगा, नीचे बचेगा 16, 8 × 8 = 16, तो यहाँ से दोस्तों एक्स का मान आ जाएगा 2 से 1/2 आ जाएगा, इसके याद लिख सकते हो 0.5, ठीक है। क्वेश्चन कैसा था आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, आसान था कठिन था। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, तो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, 1 रुपए का 30% आपको ज्ञात करना है। पहले देखिए 1 रुपए की बात है तो इसको 200 पैसे में हम लोग बदल लेते हैं, तो 1 रुपए बराबर क्या होता है आपका, सबको बताओगे 100 पैसे होता है ना, ठीक है ना। अब दोस्तों 100 पैसे का हम 30% निकाल लेते हैं, तो ये ज्यादा आसान रहेगा, 100 × 230% निकालना, तो गुड़े 30/ हो जाएगा आपका 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, मतलब बचेगा आपका सिर्फ 30 पैसे। अब दोस्तों यहाँ पर हम परसेंटेज का चिन्ह नहीं लगाएंगे क्योंकि दोस्तों हम परसेंटेज निकाल चुके हैं, इसका अंतर आ गया हमारा 30 पैसा, या दोस्तों 1 रुपए का ही 30% सीधे निकाल सकते थे, 1 × 30/100 कर देते तो भी दोस्तों आपका अंतर आ जाता है, लेकिन वो रुपए में आता है, ये आपका पैसे में। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, तो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं, कि यदि किसी संख्या का 8% 56 है तो वह संख्या आप ज्ञात करिए। तो मैंने हम लोग दोस्तों मान लेते कि माना कोई संख्या P है, उसका 8% जो है आपका कितना है 56 है, ठीक है ना। तो मतलब दोस्तों हो जाएगा आपका P गुणे 8/100 बराबर 56 हो जाएगा, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, तो P बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 56, ये त्रिक गुणा हो जाएगा 56 गुणे में दोस्तों ऊपर 100 चला जाएगा, 8 नीचे भाग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 × 8 8 × 7 = 56, 7 × 10 हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा कितना मान आ जाएगा 700 आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट करके, क्वेश्चन आसान है, अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो ये प्रश्न आपके लिए आसान होगा, तो वह संख्या हमारी दोस्तों आ जाएगी 700, ठीक है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, तो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च करता है, यदि वह प्रति माह 5,000 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है, ठीक है ना। तो दोस्तों कैसे करेंगे इसको जरा पहले समझते हैं हम लोग, कोई व्यक्ति था दोस्तों, जैसे मान लेते पहले आप समझिए, कोई व्यक्ति जो 100 रुपए कमाता महीने में, ठीक है ना, उसका दोस्तों वो 20% खर्चा कर देता, तो मतलब 20% खर्चा करने का मतलब दोस्तों 20 रुपए खर्च कर रहा है 100 रुपए का, तो वो बचा कितना रहा है, तो आप समझ गए होंगे दोस्तों वो बचा 80% रहा है, या 80 रुपए बचाता है, ठीक है ना। 20% वो खर्च करता है अपनी आय का, तो 80% वो बचा लेता है, तो वह प्रतिमाह 500 रुपए की बचत करता है, ठीक है ना। तो मतलब कोई दोस्तों था वो, अगर हम मान लेते वो 20 रुपए कमाता था और उसका दोस्तों वो 80% बचाता था, और दोस्तों हमें बचत दी गई है 1 महीने में 5,000 रुपए की बचत कर रहा है, ठीक है ना। तो उसकी प्रति उसकी मासिक आय या महीने की आय दोस्तों कितनी हो जाएगी, तो मतलब किसी भी पी का हम 80% निकालेंगे, मतलब 80/ हो जाएगा, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे 100 हो जाएगा गुणे 5,000, ठीक है ना। तो तिरक गुणा कर लेते हम लोग यहाँ पर, पी बराबर दोस्तों हो जाएगा 5,000, ठीक है ना, गुणे में दोस्तों हो जाएगा 100/ हो जाएगा आपका 80, तो 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट जाएगा, फिर 8 × 8 8 × 48 8 × 2 = 16 8 × 45, तो बस हो जाएगा P बराबर दोस्तों 625 × 10 कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 6,250 रुपए, ठीक है ना। तो दोस्तों उसकी जो मासिक आय हो जाएगी वो इतने रुपए हो जाएगी, 6,250 रुपए वो कमाता है, जिसमें से दोस्तों वो सोचिए कि 5,000 रुपए की बचत कर लेता है, तो सोचिएगा आप लोग भी दोस्तों, अगर आपकी इनकम इतनी कम होगी तो क्या आप इतना बचत कर पाएंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन था दोस्तों, ऐसा होता रहता है क्वेश्चन में। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, कि 19 नंबर क्वेश्चन है माना, कि एक संख्या का 30% 95 से 5 कम है, तो वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो दोस्तों सोचिए जरा आपको इस प्रश्न को कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लेते मानो कोई संख्या x है, x का दोस्तों जो 30% है,
तो दोस्तों जो हमारा एक्स का 30% होगा वो 95 से 5 कम है, तो मतलब आप समझ लीजिए 95 से पहले 5 घटा लेंगे तो आ जाएगा आपका 90। तो आप समझ जाइए कि कोई संख्या एक्स का 30% 95 से 5 कम है, तो मतलब एक्स गुणे 30 बराबर दोस्तों ये हो जाएगा, एक्स का मतलब 30% है ना, 95 से 5 कम हो गया दोस्तों वो 90 हो गई। तो बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे, एक्स गुणे 30 बटे हो जाएगा 100 बराबर 90, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा दोस्तों हमारा एक्स गुणे 3 बटे 10 बराबर 90। तो इसका जरा तिरिया गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा दोस्तों आपका 90 गुणे में 10 चला जाएगा ऊपर बटे यहाँ 3 आ जाएगा, भाग कर लेंगे 3 3 9 0, तो यहाँ से हमारा एक्स का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 300, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न, इसका उत्तर हो जाएगा 19 नंबर का उत्तर हमारा आ जाएगा 300। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, तो हमारा दोस्तों जो 20वां क्वेश्चन है इसको कैसे करेंगे अब देखते हैं। 150 का 12% कितना होगा, ठीक ना, 150 रुपए। अब इससे पहले हमने 1 रुपया निकाला था, तो इसको हम लोग पैसे में बदलने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको हम कर सकते हैं। 150 रुपए का 12% मतलब 150 गुणे 12 बटे 100। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, ठीक है ना, 2 6 12, 2 5 10 हो जाएगा, 5 1 5, 5 3 15 हो जाएगा, 6 गुणे 3 हो जाएगा दोस्तों आपका 18, ठीक है ना। 150 का जो 12% होगा वो हो जाएगा आपका 18 रुपए। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, तो रुपए का चिन्ह यहाँ बना छोटा था तो आप ध्यान रखेंगे तो 18 आपका आंसर आ जाएगा, आगे लिख भी दीजिएगा 18 रुपए। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, तो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन और दोस्तों आज का अंतिम अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके बाद लघु उत्तरीय क्वेश्चन आएगा, 0.085 को प्रतिशत में आपको बदलना है। देखिए जिसमें परसेंटेज दिया हो तो उसमें हम 100 से भाग करते हैं, जहां परसेंटेज का साइन नहीं होता तो उसमें 100 से गुणा करते हैं। 0.085 को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए आप, परसेंट में आपका ये आ जाएगा। तो जब 100 से गुणा करेंगे तो दोस्तों जो दशमलव का अंक होगा 2 अंक पर खिसक जाएगा, तो ये बचेगा 8.5%, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन दोस्तों कैसा था आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी बताइएगा। तो अगर दोस्तों जैसे हम बोले कि 8.5 को आपको परसेंटेज का चिन्ह हटाना है, मतलब ऐसे नॉर्मल में बदलना है, तो आप क्या करेंगे 8.5 बटे क्या कर देंगे, परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, 100 से भाग हो जाएगा, फिर दोस्तों अब इसका मतलब कितना आ जाएगा 0.0, ठीक है ना, 0.085 ही आ जाएगा, ठीक है, ये आपका दोस्तों आ जाएगा नॉर्मल में, फिर इसको परसेंटेज में बदले तो हमारा 8.5 आ गया। तो बस आप ऐसे ही इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों देखेंगे आज के लघु उत्तरीय प्रश्न, उससे पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, जिससे आने वाली दोस्तों यूट्यूब की हमारी हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि दोस्तों आपके भी दोस्त परसेंटेज के क्वेश्चन को आसानी से कर सके। आप चलिए देखते हैं आज के लघु उत्तरीय प्रश्नों को, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के लघु उत्तरीय प्रश्नों को। सबसे पहले 22 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, यदि एक्स का 10% प्लस 150 का 20% 50 है तो एक्स का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए समझिए क्या लिखा है, एक्स का 10% मतलब दोस्तों एक्स गुणे 10% लिखा है, प्लस का दोस्तों लिखा है 150 का 20% मतलब 150 गुणे 20%, ठीक है ना, ये आपका ऐसे लिखा है, बराबर दोस्तों आपका दिया गया है 50 ओम, तो आपको यहाँ पर एक्स का मान बताना है, ठीक है, किसका मान, ये एक्स का मान निकालना है। ये दोस्तों यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, देखिए एक्स इसीलिए होता है ना कि कभी कभी दोस्तों दो दो एक्स लगने लगते हैं। तो पहले देखिए जो ये परसेंटेज का चिन्ह हटता है तो एक बात समझना है, जब ये परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाता है, 100 से भाग हो जाता है, याद रखना है आपको, प्लस 150 गुणे में दोस्तों क्या है 20 लिखा है ना, जब परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर 100 से भाग हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 50। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 और 0 कट गया आपका, यहाँ 1 0 से 2 1 0 ये कट गया, बचा यहाँ पर दोस्तों एक्स बटे 10, ठीक है ना, प्लस का दोस्तों बचा 15 गुणे 2 मतलब 15 दूनी होता है 30 बराबर 50। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बटे 10 बराबर दोस्तों हो जाएगा 50, इधर 30 जाएगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा x बटे 10 बराबर 20। तो दोस्तों यहाँ से x का 10 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा 20 गुणे 10 हो जाएगा ना ये, तो हमारे यहाँ से x का मान आ जाएगा 200। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, तो आपको देखिए तैयार रखना है, आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे दोस्तों उतने ही ज्यादा दोस्तों आपको प्रश्न और उत्तर समझ में आने लगेंगे, तो बस वही होती है मैथ में प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी होती है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, तो हमारा जो 23 नंबर क्वेश्चन है इसको देखते हैं जरा हम लोग, प्रश्न है कि उस संख्या का 70% क्या होगा जिसका 300% 120 है। तो दोस्तों सबसे पहले मान लेते हैं वो संख्या आपकी क्या है, x है, ठीक है ना, तो हमें जिसका 300% 120 है, दोस्तों मान लेते हैं जो हमने संख्या मानी x है, तो मतलब अगर हमारा x का 300% दोस्तों क्या हमारा 120 है, ठीक है, समझिए इस बात को।
तो एक्स का 300% निकालेंगे तो मतलब 300% का चिन्ह हटेगा तो हमने क्या बोला 100 से भाग हो जाता है, 2 जीरो तो 2 जीरो कट जाएगा यहाँ पर, पहले 120 ऐसे लिख लेते हैं प्रॉपर, ठीक है ऐसा हो गया। तो दोस्तों मतलब एक्स गुणे 3 बराबर हो गया आपका 120। तो दोस्तों यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे हो जाएगा आपका 120/3, 3 चौके 12 0। तो दोस्तों हमारा यहाँ से एक्स का मान कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है ना। एक्स का मान अगर हमारा 40 आ गया है तो क्या बोला था, उस संख्या का 70% क्या होगा, मतलब हमें बताना 40 का 70% क्या होगा, ठीक है ना। तो 40 × 70/100 कर दीजिए, बस हो गया आपका आंसर, 1 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 × 4 7 चौके 28, बस ये हो गया। देखिए समझ जाइए इस क्वेश्चन को कैसे आपको करना है, पेपर में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। बोला गया था कि उस संख्या का 70% क्या होगा, मैंने हम लोग ने सबसे पहले मानो वो संख्या आपकी एक्स है जिसका 300% 120 है। सबसे पहले दोस्तों हमने इसको सॉल्व किया क्योंकि दोस्तों इसकी वैल्यू हमें दी गई थी, तो एक्स का 300% बराबर हमने माना 120 दिया गया क्वेश्चन में, तो यहाँ से हमारा एक्स का मान आ गया 40। तो हमें बोला गया था उस संख्या का मतलब एक्स का 70%, तो 40 का 70% निकाल लिया, हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो 24 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा है कि यदि चीनी के भाव में 10% की कमी आए तो गृहिणी अपने व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि व्यय अपवर्तित रहे, तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक बात को समझना पड़ेगा, जैसे बोला गया था यदि चीनी के भाव में 10% की कमी आए तो गृहिणी अपने व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसका व्यय अपवर्तित रहे। समझिए एक बात को पहले, इसमें माने जो हमने पहले मान लेते दोस्तों कि जो दोस्तों इसका जो कुल व्यय है वो 100 रुपए महीने का है, ठीक है ना। माना गया दोस्तों कि कोई गृहिणी है जो एक महीने में 100 रुपए खर्च करती है, ठीक है। फिर दोस्तों उसमें बोला जाता है कि इसमें 10% की कमी आती है, 10% की कमी आने का मतलब दोस्तों अब जो वो महीने में जितना उसका व्यय होगा वो 90 रुपए हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों हमने 100 माना था कि अगर 10% की बात होगी तो 10 रुपए इसमें से घटा देंगे, 20% की बात होगी तो दोस्तों ये जो महीने का उसका खर्चा होगा 80 रुपए हो जाएगा, 20 घटा देंगे, समझिए। इसीलिए इसको हमने 100 माना कि आपको करने में आसानी हो, ठीक है ना। अब दोस्तों बताइए कि उसके व्यय में पहले कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, आपको ये भी तो देखना है ना। व्यय में वृद्धि पहले आप यहां से निकाल लेंगे, व्यय में जो इसकी वृद्धि हो जाएगी दोस्तों कितनी हो जाएगी सोचिए आप लोग जरा, मतलब पहले प्रारंभिक मूल्य होगा माइनस वर्तमान मूल्य, प्रारंभिक मूल्य माइनस का वर्तमान मूल्य। तो इसका प्रारंभिक दोस्तों मूल्य कितना था ये बताइए, पहले वो 100 रुपये खर्चा करती थी, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों 10% की कमी आ जाती तो वर्तमान मूल्य दोस्तों हो गया 90। तो दोस्तों जो उसके व्यय में वृद्धि हो गया वो कितना रुपया क्या होगा, 10 रुपये की वृद्धि हो गई। अब दोस्तों बताना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि वो कर दे कि उसका व्यय अपवर्तित रहे। तो देखिए मतलब दोस्तों आपके 90 रुपए में कितने रुपए की वृद्धि करनी पड़ेगी इस बात को समझिए, 90 रुपए में दोस्तों जो वृद्धि करनी पड़ेगी दोस्तों 10 रुपए की करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो 1 रुपए में जो वृद्धि दोस्तों आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी वो हो जाएगा आपका 10/90, ठीक है। वैसे दोस्तों जब हम इसको परसेंटेज में निकाल लेंगे या 100 रुपए में दोस्तों जब वृद्धि करनी पड़ेगी तो 10/90 गुणे हो जाएगा आपका 100, इसको सॉल्व कर लेंगे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, 10 × 10 ऊपर हो जाएगा आपका 100/9, भाग कर लेंगे कितना हो जाएगा 9 × 9, ठीक है ना। फिर दोस्तों हो जाएगा 9 × 9, 11 × 9 = 99 होता है ना, बस वही होता है दोस्तों, बस 11 सही, 1/9%। अगर दोस्तों आपको इस प्रश्न में कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको फिर से बता दिया जाएगा। फिर से देखिए एक बार हम समझा देते हैं, क्वेश्चन में यह कहा गया था आपका कि कोई दोस्तों चीनी के भाव में 10% की कमी हो जाती है, ठीक है। तो पहले हमने माना जो गृहिणी थी दोस्तों वो महीने में 100 रुपए खर्चा करती थी, जब दोस्तों 10% की कमी होती तो 10% उसमें हमने 10 घटा लिया सीधे, ठीक है। अगर दोस्तों बोला जाता कि भाव में 225% की कमी आती तो हम यहाँ 25 रुपए घटाते, कहने का मतलब दोस्तों इसीलिए हमने माना कि कुछ भी सही, हमने स्टैंडर्ड माना 100, जितना भी दोस्तों कम ज्यादा होगा तो वैसे हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये मान लिया 10% की कमी, 10 घटाए 90 रुपए हो गया। अब दोस्तों हम देखते हैं कि व्यय में वृद्धि कितनी होगी, जो पहले उसको 100 रुपए खर्चा करना पड़ता था महीने में, अब दोस्तों देखिए पहले 100 रुपए खर्चा करती थी तो प्रारंभिक मूल्य माइनस वर्तमान मूल्य, अब 90 रुपए खर्चा हो रहा है तो उसमें 10 रुपए का फायदा हो रहा है, व्यय में तो 10 रुपए का फायदा हो गया। उसके बाद दोस्तों हमें निकालना था कि आपको ताकि व्यय में अपवर्तित रहे, इसको दोस्तों ये परसेंटेज में आपको बताना था कि जो आपका 90 रुपए वृद्धि में मतलब 90 रुपए में वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी, फिर 1 रुपए में, फिर ऐसे ऐसे करके 100 रुपए में कितना करना पड़ेगा, वही आपको बताना था। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, अगर आपको देखिए कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। 25 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा,
कि 90 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या आपको बतानी है। 90 विद्यार्थियों की कक्षा में कितने 200% लड़के हैं, तो पहले परसेंटेज लड़कों को निकाल लेते हैं। 90 का 30% हम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा लड़के कितने। पहले 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। 9 3 होता है 27, तो दोस्तों हमारे 27 क्या है, लड़के हैं। ठीक है, तो 90 में से दोस्तों जैसे आप 27 घटा देंगे तो आपको अपने आप लड़कियों की संख्या पता चल जाएगी ना। 10 में से 7 गया 3, यहाँ दोस्तों आपका कितना बचा, 8, 8 में से 2 गया 6। ठीक है, तो जो क्लास में दोस्तों लड़कियों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 63 गर्ल्स हो जाएंगे। ठीक है ना, गर्ल्स की संख्या आ गई 63। तो देखिए ऐसे आसान से प्रश्न भी आपके पेपर में आ सकते हैं, तो आपको हर तरह के प्रश्नों के लिए तैयार रहना है कि कैसे भी क्वेश्चन आए उसको आप कर सकें। फिर से बता दे रहे, 90 पर मतलब बच्चों की संख्या थी विद्यार्थियों की, जिसमें से 30% लड़के थे। तुरंत ही दोस्तों हमने 90 का 30% निकाल लिया तो हमें लड़कों की संख्या पता चल गई 27 लड़के हैं और शेष लड़कियां दोस्तों, तो मतलब सिंपल सी बात है, टोटल विद्यार्थियों में से लड़कों की संख्या घटा लेंगे तो हमें लड़कियों की संख्या मिल जाएगी। आज का अगला प्रश्न देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। एक संख्या के 60% और 20% के बीच का अंतर 500 है, तो इस संख्या का 70% कितना होगा, आपको ये बताना है। फिर दोस्तों सोचिए इसको आपको करना कैसे। पहले बोला गया एक संख्या के, दोस्तों पहले मान लेते कोई संख्या x है, x के ठीक है ना 60 और 20% के अंतर, मतलब दोस्तों 60 माइनस 20 कर दीजिए, आगे दोस्तों परसेंटेज का चिन्ह लगा, इसको ध्यान में रखना है। अंतर दोस्तों आपका 500 है, बस सॉल्व कर लीजिएगा हो जाएगा। तो 60 में से दोस्तों 20 गया, कितना बचेगा दोस्तों आपका, 40 बचेगा। ये परसेंटेज का चिन्ह है, मतलब जब दोस्तों ये हटता तो नीचे 100 से भाग हो जाता, आपको पता है बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 500। 1 0 से 1 0 ये कट गया, 4/10 बचा, तो मतलब x बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये 10 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा, 500 × 10 हो जाएगा, ऊपर नीचे दोस्तों ये 4 नीचे चला जाएगा भाग में, बस सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 × 1 = 4 ठीक है ना, 1 0 4 × 2 = 8 4 × 5 = 20, तो यहाँ से हमारा x का मान जो आ जाएगा 1250 आ जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों प्रश्न में क्या बोला गया था आगे, तो इस संख्या का 70% कितना होगा, मतलब बोला गया दोस्तों जो हमारा 1250 आया इसका 70% बताना है, 1250 का 70%, बस हो गया क्वेश्चन आपका। 70% है तो परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो 100 से भाग हो जाएगा, बस 2 0 से 2 0 कट गया, 7 5 = 35 का 5 हासिल आया, 3 7 2 = 14 3 17 7 1 = 7 8 आपका आंसर आ जाएगा 875। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में आएंगे, तो आपको तैयार रखना है, हर एक तरह के प्रश्न के लिए तैयार भी रहना है। ठीक है ना, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, फिर समझ लीजिए आप लोग कि बोला गया एक संख्या के 60% और 20% का अंतर, मतलब दोस्तों पहले हम लोग ने माना कोई संख्या x है, उसका 60 और 20 का अंतर, देखिए 60 माइनस 20 कर दिए, अंतर दोस्तों आपको दिया गया 500, बस जैसा प्रश्न बोले वैसा ही करना है, आपको दिमाग नहीं लगाना है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक गांव की जनसंख्या 5000 है, इसमें 60% लोग नौकरी और 20% लोग खेती करते हैं तथा शेष बेरोजगार हैं, तो गांव में बेरोजगारों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है ना, तो आपको पता चल गया होगा कि इस गांव में बेरोजगार कितने लोग हैं, पहले आप ये बताइए, सिंपल से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक गांव की टोटल जनसंख्या हमारी 5000 है, ठीक है ना, इसमें से 60% लोग नौकरी करते हैं, 20% लोग खेती करते हैं, मतलब दोस्तों 80% लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, बचे दोस्तों कितने लोग, बेरोजगारों की संख्या दोस्तों आप समझ गए होंगे, परसेंटेज से देखा जाए तो सिंपल था 20% लोग ही बेरोजगार है, तो सीधे इसका 20% हम निकाल देते हैं 5000 का, तो 5000 का 20% निकालेंगे तो 20 करेंगे, परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, नीचे 100 से भाग हो जाएगा, 2 0 से 200 2 0 कट जाएगा, 50 × 20 5 2 होता है 10 होता है, ठीक है 2 0 और बढ़ा दीजिए, मतलब 1000 लोग क्या होंगे इसमें, बेरोजगार होंगे। क्वेश्चन आसान था, या दोस्तों इसको एक और तरीके से कर सकते थे, पहले 5000 60% + 20 करके जोड़ के 80% लोग निकाल लेते, जिसमें से हमें ये पता चलता है कि इसमें इतने लोग रोजगार हैं, ठीक है ना, तो बस उस तरह भी कर सकते थे, लेकिन हमें पता बेरोजगारी की संख्या निकालनी थी, तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में 60% को जोड़ लिया, 20% को जोड़ लिया, हमें पता चल गया 80% लोग भाई रोजगार है, कुछ ना कुछ काम करते हैं, नौकरी खेती करते हैं, हमें बेरोजगारों को निकालनी थी। टोटल दोस्तों जो परसेंटेज होगा वो 100 होता है, 100 में से हमने 80 घटाया तो मतलब 20% पता चला कि 20% लोग इस गांव में बेरोजगार हैं, तो 5000 का 20% निकाला तो हमारा 1000 मान आ गया, यही हमारा उत्तर है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, तो 28 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा है कि एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में फेल हुए और 40% छात्र रसायन विज्ञान में फेल हुए, यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत छात्र पास हुए, आपको ये बताना है। ठीक है ना, अच्छा प्रश्न है ये काफी। तो दोस्तों एक काम करते हैं, पहले इस प्रश्न में मान लेते हैं टोटल जो विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है, हमारी 100 है, ठीक है ना, तो मान लेते हैं अभ्यर्थियों की जो कुल संख्या है, माना कुल विद्यार्थी आपके दोस्तों कितने हैं, वो आपके 100 है, ठीक है,
माना कुल विद्यार्थी बराबर आपके 100 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो से गणित में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या देखिए आप, गणित में जो फेल हुए हैं 30% छात्र, तो गणित में जो फेल हो रहे हैं तो मतलब गणित में फेल मतलब हो जाएगा आपका दोस्तों सिंपल सा 30। देखिए 100 का जैसे मान लेते टोटल दोस्तों आपका परसेंटेज 100 है, ठीक है ना, या 100 टोटल विद्यार्थी हैं, इसका जो 30% आएगा वो 30 होगा, 25% 25 होगा, मतलब सिंपल सी गिनती होती है, जो भी दोस्तों बोल दिया जाए इसका मतलब 40% 40 ही होगा, इसीलिए दोस्तों हम लोग 100 मानते हैं सबको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात आ रही है कि रसायन विज्ञान में, रसायन विज्ञान में दोस्तों जो फेल हो रहे हैं में फेल छात्रों की संख्या कितनी दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 40%, मतलब रसायन विज्ञान में 40 बच्चे फेल हो जाते हैं, यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं। इस बात को समझिए, जो दोनों विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, दोनों विषयों में फेल आपके टोटल कितने हैं दोस्तों, यहाँ पर दिखा रहा है 15, इसको ध्यान में रखना आपको, ठीक है ना, दोनों विषयों में फेल आपके विद्यार्थी 15 नहीं दोस्तों यहाँ पर दिया गया 10 है हमारा, ठीक है ना, इसको जरा ध्यान में रखिएगा, जो दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं छात्र वो कितने हैं दोस्तों आपके यहाँ 10 हैं, ठीक है ना, ये हो जाएगा 10। तो हमें बताना कि कितने प्रतिशत छात्र यहाँ पर पास हो रहे हैं, ठीक है, आपको ये बताना है, फेल होने वालों को नहीं बताना, बताना है पास। अब पहले दोस्तों हम इसमें ये देखेंगे केवल गणित में फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी, जब हम बात करेंगे केवल गणित में फेल होने वाले छात्रों की संख्या, ठीक है ना, केवल गणित में फेल, तो दोस्तों इसको क्या करेंगे पता है हम लोग, 30 में से यहाँ पर 10 घटा लेंगे, 30 माइनस 10 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20, केवल गणित में फेल होने वाले छात्रों की संख्या 20 है। अब केवल रसायन विज्ञान में निकालेंगे हम लोग, केवल रसायन में फेल दोस्तों छात्रों की संख्या हो जाएगी आपके यहाँ पर 40 माइनस का 10 बराबर दोस्तों हो जाएगी हमारी 30, रसायन में 30 लोग फेल है। उसके बाद दोनों विषयों में फेल दोस्तों हमारे कितने 10 है, ठीक है ना, तो अनुत्तीर्ण होने वाले टोटल विद्यार्थी हम निकालेंगे, कुल विद्यार्थी, जी हाँ दोस्तों जो आपके फेल हो रहे हैं या अनुत्तीर्ण लिख सकते हैं, फेल कुल विद्यार्थी दोस्तों आपके कितने हो जाएंगे आपको पता है, सबको जोड़ लेंगे हम लोग, 20 को जोड़ेंगे 30 को जोड़ेंगे, और दोस्तों जो आपका यहाँ पर दिया गया दोनों विषयों में फेल, ठीक है ना, 20 प्लस हो जाएगा 30 प्लस का 10, तो दोस्तों हमारी जो परसेंटेज टोटल आ जाएगी वो हो जाएगी 60% ना, सब में दोस्तों जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल जो फेल होने वाले छात्रों की संख्या वो 60 हो जाएगी। अब हमें दोस्तों बताना था कि कितने प्रतिशत छात्र पास हुए, तो टोटल हम 100 में से निकालते हैं, तो ये दोस्तों टोटल फेल छात्रों की संख्या 60 है या 60% कह सकते हैं, तो टोटल पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल पास छात्रों की संख्या, तो 100 में से हम 60 घटा देंगे मतलब फेल छात्रों को, तो हमें पता चल जाएगा 40, तो इसका जो आंसर आएगा वो 40% छात्र ऐसे होंगे जो इसमें परीक्षा को पास कर जाएंगे। क्वेश्चन काफी अच्छा था और आसान था, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो डेफिनेटली पेपर में कभी गलती नहीं करेंगे। फिर से समझ लीजिए दोस्तों, कोई परीक्षा थी जिसमें से 30% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, 40% रसायन विज्ञान में, ठीक है ना, अगर दोस्तों यहाँ पर दोनों विषयों का जिक्र ना होता तो क्वेश्चन करना काफी आसान होता, लेकिन दोस्तों बोला गया कि 10% छात्र दोनों में फेल हो रहे हैं, तो सबसे पहले हमने मान लेते टोटल जो छात्र थे वो 100 थे, 100 का दोस्तों 30% मतलब 30 छात्र गणित में फेल होते हैं पहले 40 रसायन में, लेकिन दोस्तों जब बात होती है 10% छात्र दोनों विषयों में फेल होते हैं तो हम पहले ये निकालेंगे कि केवल गणित में कितने फेल हुए, केवल फिर रसायन विज्ञान में कितने फेल होते हैं, फिर उसके बाद दोनों विषयों में फेल छात्रों की संख्या जोड़ के हमें ये पता चल जाएगा टोटल अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं। तो ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, तो आपके सामने दोस्तों अगले प्रश्न के लिए हमें आपको एक चित्र देने वाले हैं, ठीक है ना, चलिए चित्र बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये दोस्तों आपका ऐसा कुछ चित्र बन जाएगा, तो इसमें हमें करना क्या है इसको समझिए पहले। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको कुछ ऐसा दिया गया, ठीक है, ऐसे ऐसे दोस्तों लाइनें कर दी गई हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, आपको जरा ध्यान भी देना है, और यहाँ पर भी दोस्तों ऐसे लाइन खींच दी गई, मतलब दोस्तों इसको तीन भाग में डिवाइड किया गया, इस बात को समझना है आपको, ठीक है ना, तो बताना था कि चित्र का कितने प्रतिशत भाग छायांकित है, ठीक है, आपको ये बताना है, तो दोस्तों ये टोटल चार भाग में डिवाइड है, 1 2 3 4, आपको दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है तीन भाग आपका छायांकित दिख रहा है ना, तो दोस्तों काफी आसान क्वेश्चन है, आपको बताना कि कितने भाग छायांकित है, तो मतलब आप समझ गए होंगे इसका तीन भाग छायांकित है, टोटल भाग दोस्तों कितने आपका चार है, 1 2 3 4 आपने देख लिया, तीन भाग 1 2 3 इसको काउंट कर लेंगे, तो मतलब बताना कितना प्रतिशत भाग, तो मतलब 3/4 × 100 कर देंगे, ठीक है ना, भाग कर देंगे 4 × 2 = 4 × 5 = 20, मतलब 25 × 3 हो जाएगा आपका 75% भाग क्या है इसका दोस्तों छायांकित है। क्वेश्चन आसान था लेकिन हो सकता है कि आपसे गलतियां हो सकती हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो पहले आप ये काउंट कर लेंगे कि कितना
प्रतिशत भाग छायांकित, तो पहले आप देख लेंगे दोस्तों टोटल इसको चार पार्ट में डिवाइड है, तो पहला पार्ट गिन लेंगे, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, तीन पार्ट आपका छायांकित है। और दोस्तों जो पहला वाला था ये छायांकित नहीं है, मतलब इसमें रंगा वंगा नहीं है, तो आप समझ जाएंगे टोटल आपका चार है। तो जो नीचे टोटल रहता है दोस्तों, टोटल हमेशा नीचे आता है, और कितना है वो ऊपर रहेगा, गुणे सौ कर देंगे हो जाएगा। अब देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, अगर आपने इसको कर लिया तो समझ लीजिए आप पेपर में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको देखते हैं कि, तो दोस्तों इससे पहले हमने जो क्वेश्चन ये देखा था, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन आज का, कि चीनी का मूल्य 16 रुपए प्रति किलोग्राम था, उसका मूल्य घटकर 14 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो दोस्तों इस समय होली का सीजन चल रहा है और हम बनारस में हैं, और ये वीडियो बनारस से बन रही है फिलहाल, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा होली में पटाखे भी देखते हैं, तो हो सकता है कि बैकग्राउंड में थोड़े पटाखे की आवाज आ सकती है, तो हैप्पी होली आप लोगों को पहले, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, कि पहले जो चीनी का मूल्य था 16 रुपए प्रति किलोग्राम था, उसका मूल्य घटकर दोस्तों 14 रुपए हो जाता है, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो दोस्तों पहले ये निकालते हैं, पहले इसका दाम कितना था, 16 रुपए था, अब दोस्तों इसका दाम घटकर कितना हो जाता है, 16 से घटकर 14, घटा लेंगे दोस्तों कितना रुपए हो गया, अब 2 रुपए प्रति किलोग्राम इसका जो मूल्य था दोस्तों वो कम हो गया, ठीक है ना। तो इसमें कितने प्रतिशत की कमी हुई आपको ये बताना, तो मतलब दोस्तों कितनी परसेंटेज निकालना, तो 2 बटे हो जाएगा दोस्तों इसका जो चीनी का प्रारंभिक मूल्य था 16 हो जाएगा, गुणे 100 कर लेंगे, जो आएगा दोस्तों वही आंसर होगा। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 4 दुनी 8, 4 दुनी 8, 4 पंजे 20, मतलब दोस्तों आ जाएगा आपका 25/2%, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 12 होता ना, एक सही 12/2, 12 दुनी 24, 1 25, ये भी हो सकता है आपका आंसर। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको परसेंटेज काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई दोस्तों डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों परसेंटेज के ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, और कुछ अलग से नहीं आने वाला, तो काफी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, उम्मीद करेंगे कि आप पेपर में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हमने कैसे क्या फिर समझ लीजिए, कि जो चीनी का मूल्य था दोस्तों पहले 16 रुपए में बिक रहा था, फिर उसका दोस्तों मूल्य घटकर आज 14 रुपए हो जाता, तो मतलब पहले 16 में से हम 14 घटा लेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि कितना रुपए मूल्य इसका कम हुआ, 2 रुपए कम हुआ था ना, अब उसमें चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई आपको ये बताना, तो दोस्तों जो ये आया इतने परसेंटेज की कमी हुई, आपको ये समझना है ना कि 2 रुपए का दोस्तों जो हम इसका परसेंटेज निकालेंगे उसके प्रारंभिक मूल्य से निकालेंगे, 2/16 करेंगे, आप ये मत सोचिएगा 2/14 कर दें इसका दाम तो अब कम हो गया, क्योंकि दोस्तों इसका जो परसेंटेज में कितनी वृद्धि या कमी होगी वो आपके प्रारंभिक मूल्य से ही तो पता चलेगा ना, कि पहले कितना पैसा लगता था, ठीक है, बस हो गया। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको इस वीडियो को समझ में आया होगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, तो ठीक है फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।